पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ई रूपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे लॉन्च करेंगे ई रूपी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 315 अंकों की उछाल के साथ खुला। आज नहीं जारी होगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट, सीबीएसई ने दी जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह टीम 9 के साथ करेंगे बैठक, लोकभवन में 10:30 बजे करेंगे बैठक। महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी, गुजरीत कौर ने दागा पहला गोल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सावन के दूसरे सोमवार को गाजीपुर और वाराणसी के बॉर्डर पर स्थित कैथी में मार्कंडेय महादेव मंदिर में सुबह से ही भीड़ लगी रही। यहां दिन पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि भक्तों में शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। दस अगस्त से शुरू हो रहे मुहर्रम को लेकर लखनऊ के डीजीपी मुकुल गोयल ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने कहा है कि कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और न्यायालय के आदेशों को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस, ताजिया की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने कहा है कि धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। वहीं इसको लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासुब अब्बास ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जबरदस्त तरीके से इस गाइडलाइन की निंदा की है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को लेकर बैठक भी बुलाई है। बैठक में बोर्ड द्वारा कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया एशिया फसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ, और खाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया एशिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है, और खाली विरोध ही नहीं करता है। कल यानी 2 अगस्त को शाम को 5 बजे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ऑफिस बैरर्स की एक मीटिंग अवध पॉइंट पर मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर इसको पर। वहीं मुरादाबाद में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके नाला बनाया गया। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से नाला टूट गया। नालों की साफ सफाई ना होने की वजह से बरसात के पानी नाला दबाव नहीं हो पाया, और नाला टूटने से गंदा पानी पीतल कामगारों के लिए वार्ड 44 में बनाई गई पीतल नगरी कॉलोनी में भर गया है। ये गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह जैसे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे नाला टूट गया, घरों में पानी भर गया है, 15 से 20 घरों में पानी है, उनके घरों में खाना नहीं बन पा रहा। लेकिन 40 मीटर नाला टूट गया है रात 3 बजे जो बारिश हुई है। अब वो पानी जो नाले का पूरे शहर का पानी है, प्रभात मार्केट से भी पानी आ रहा है और गोविंद नगर से पानी आ रहा है, पूरे शहर का पानी वो पीतल बस्ती में घुस गया, सिल पत्थर वालों में। नगर निगम की भी लापरवाही है, ईंटों का नाला है, वो नाला बनना चाहिए, बहुत पुराना नाला हो गया वो। तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि नालों की साफ सफाई ना होने की वजह से बरसात का पानी नाला दबाव नहीं हो पा रहा, और नाला टूटने से गंदा पानी पीतल कामगारों के लिए वार्ड 44 में बनाई गई पीतल नगरी कॉलोनी में भर गया है। वहीं ये गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान जुड़ चुके हैं। तो सलमान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद के पीपल नगरी क्षेत्र के वार्ड 44 का बताया जा रहा है, जहां पानी बारिश के ज्यादा लेव होने की वजह से नाला अभी कुछ टाइम पहले ही बना था, जो कि उसने संगीरी ठीक नहीं लगाई थी और वो पानी का दबाव नहीं झेल पाया, इस वजह से उसका पानी सारा कॉलोनी में चला गया। इससे 20 से अधिक पीतल के कामगारों के घरों में पानी काफी हद तक पहुंच चुका था। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो नाले का पानी है वो लोगों के घरों में बढ़ जा रहा है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोगों ने शिकायत स्थानीय पार्षद से की गई है। जी, स्थानीय पार्षद से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी इंजन सेट पंप लगाकर इसका पानी निकलवा दिया जा रहा है और इस मामले की जांच होगी, नगर निगम के अधिकारी को लिखकर इसके दे दिया गया है और इस मामले की जांच के का आश्वासन उन्होंने दिया है कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन क्या अभी तक स्थानीय निवासियों को कुछ राहत मिल पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी हाल में तो वो पानी निकालने के लिए पंप सेट कर दिया गया है, पानी निकाला जा रहा है, लगभग दोपहर के बाद तक स्थानीय निवासियों को कुछ राहत महसूस होगी, मगर ये दिक्कत अभी बारिश अगर दोबारा से होती है तो ये दिक्कत दोबारा खड़ी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सोनभद्र जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को काफी नुकसान हुआ है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसको लेकर आज बाढ़ वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे ने विधानसभा घेरावल का निरीक्षण किया है। पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे ने करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सपा के पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे ने बातचीत में बताया है कि तत्कालीन सरकार के जितने भी नेता हैं वह कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बारिश लगातार जिले में हो रही है, कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं, लोगों के घर भी गिरे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और नेता इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल रात जब भीषण बारिश हुई तो मैं सुबह आज निकल पड़ा, ममुआ से होते हुए और गाय से होते हुए, पगिया से होते हुए, रानी तारा मुकरसिम जो है होते हुए, छोटकापुर किंगरी उचका होते हुए, वहाँ गाँव डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, तमाम घर गिर गए मदार उदार में, तो मैं वहाँ से होते हुए यहाँ रिथीफाल आया हूँ कि यहाँ का फाटक खुलवा दूँ, क्योंकि जिलाधिकारी का नंबर बंद है, उप जिलाधिकारी का नंबर बंद है, अपर जिलाधिकारी का नंबर बंद है, कोई मोबाइल उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के 2 फाटक खुलवाया हूँ ताकि पानी ये खींच दे और खींचने के बाद आम जनता राहत की सांस ले, थोड़ा पानी कम हो जाए, लोगों के जो घर गिर गए हैं उसके बाद और लोगों के घर न गिरे, इसलिए। वहीं फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र के मतपुर गांव में जमीन को लेकर भाइयों में विवाद हो गया। जमीनी बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से वार कर दिया। वहीं लड़ाई में छोटा भाई घायल हो गया, जिसको परिवार वालों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चंदौली जिले में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को देखते हुए अपराध और अपराधियों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए चंदौली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान एक ही रात में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में घायल 4 बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बता दें कि मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र में कटसिल मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो एक किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन 4 को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है जो लगभग 2 लाख के करीब है,
कुल मिलाकर के इन सभी से, इनमें से चार में से तीन लोग इनामिया हैं, दो पर 25,000 का इनाम है और एक पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चंदौली में तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक ही रात में चार शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रिया, चंदौली पुलिस को पहले से ही इस बात का अंदाजा था और इनपुट मिला था कि कुछ लुटेरे जो है वो चंदौली जिले में आकर के सोमवार को लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं, इसलिए क्राइम ब्रांच और सर्विलेंस की टीम को एक्टिवेट किया गया था और मुखबिर की सूचना दे जो संदिग्ध नंबर थे उनको लिस्टिंग पे लगाया गया था और चेकिंग सघन अभियान चलाने के आदेश भी एसपी की तरफ से दिए गए थे। लेकिन कल देर रात ही दो बाइक सवार चार बदमाश जब उधर से पुलिस पार्टी की तरफ से निकल रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश एसएचओ द्वारा की गई थी, लेकिन सभी लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और वहां से भागने की फिराक में थे। जो तीन थाना क्षेत्र है वो चंदौली कोतवाली है, सकलडीहा थाना क्षेत्र है और बलुआ थाना क्षेत्र है। इन तीनों थाना क्षेत्रों में अलग अलग मुठभेड़े हुई है जिसमें 25,000 के दो इनामी और 20,000 का एक इनामी और एक अन्य लुटेरा गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ रुद, कृष्णानंद उर्फ पछुआ दरोगा, अंकुर उर्फ गोपाल सिंह और पीयूष कुमार सिंह है। ये सभी लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं, इनके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जनपदों से और अंतर्राष्ट्रीय लुटेरा गैंग है। इनके पास से जो नकदी है वो भी बरामद की गई है लगभग 2 लाख रुपए की और कंट्री मेड पिस्टल और तमंचा बरामद किया गया है। एसपी के द्वारा ये बताया गया है क्योंकि सोमवार था और दो दिन बाद बैंक खुलने थे और लिहाजा इसी की पूरी प्लानिंग इन्होंने की थी बैंक को लूटने की और रेकी भी इससे पहले की जा चुकी है और इन दोनों द्वारा सोमवार को इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया जाना था। पुलिस की तरफ से जो मुठभेड़ हुई है उसमें दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है और ये बताया जा रहा है जो सिपाही है उसके दाहिने हाथ पे और एसएचओ की बुलेट प्रूफ पे गोली लगी है, लेकिन जब पुलिस पार्टी की तरफ फायरिंग हुई थी तब पुलिस ने भी इन सभी लोगों पर आत्मरक्षा करने के लिए गोली चलाई थी जिसमें चारों बदमाशों को गोली लगी है। फिलहाल इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्राथमिक उपचार के लिए इनको जिला अस्पताल ले जाया गया और इनसे इंटरोगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि इनके जो अन्य साथी है उनके बारे में पता किया जा सके और जिस जिस जगहों पर इन्होंने रेकी की थी उसके बारे में भी विस्तार से इनसे पूछताछ की जा सके। जी आशीर्वाद, जिस तरह से बताया कि जो जो मुठभेड़ हुई है उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है, क्या कुछ स्थिति है वहाँ पे? देखिए सकलडीहा थाना प्रभारी जो थे वो इन बदमाशों की धरपकड़ के लगे गए थे और जब इन्होंने उनको रोकने के लिए कहा था तो बदमाशों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि ये गलीमत रही थी कि इनके शरीर पर गोली ना लग करके जो इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर एक गोली लगी है। एक जो सिपाही था जो अलग थाना क्षेत्र में जो मुठभेड़ में शामिल था उसके दाहिने हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर द्वारा और एसपी द्वारा ये बताया गया है कि इनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। फिलहाल इंटरोगेशन जो टीम है वो लगातार इन लोगों से पूछताछ करने का प्रयास करेगी और पुलिसकर्मी किसी भी तरीके की मुश्किल जरूर रही थी, एक रात में बड़ी मुठभेड़ थी जो लगभग 3.5 घंटे रही थी। फिलहाल एक बड़ी सफलता कही जाएगी और ये कहा जा सकता है कि चंदौली पुलिस ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम होने से रोक लिया है और चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से चंदौली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आपको बता दें कि तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक ही रात में चार शातिर बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल चारों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों की गोली में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। खबर आगरा से है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें आरोपी बदमाश घायल हुआ है। वहीं बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि आगरा के मटपुरम गोल्ड डकैती के केस में फरार चल रहे 40,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में अपराधी के पास से लूटा हुआ 2 किलो सोना और 42,000 रुपए नकद भी बरामद कर लिया गया है। वहीं देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण प्रभावी नियंत्रण में है। एक ओर जहां देश के बड़े राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस हर दिन कम होते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग के कारण ही उत्तर प्रदेश के 75 में से 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सीएम के निर्देश पर ट्रैक टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। हर दिन 2 से 2.5 लाख सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे में 2,48,152 कोविड सैंपल की जांच की गई।
और इस दौरान 36 नए संक्रमित भी मिले हैं। वहीं इसी दौरान 76 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिली है। 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे कोविड को लेकर क्या कुछ अपडेट है। प्रिया, बता दूं कि लगातार जैसे कि देखने को मिल रहा है कि कोरोना की जो केसेस हैं वो काफी संख्या में, एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में देखा गया कि जो एक्टिव केस थे वो कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जो है देखने को मिल रहा है कि एक्टिव केस जो है पूरे देश में वो 4 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर संकट की घड़ी है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना का जो काल है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो केसेस लगातार वृद्धि हो रही है और फिर से एक बार केरल जो है वो हब बनता दिखाई दे रहा है। लगातार पांचवें छठे दिन भी 20,000 से केस प्लस केस जो है वो सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिया, जो तीसरी लहर की जो आशंका जो जता रहे थे विशेषज्ञ इतने दिनों से, तो कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर में उनका मानना था कि अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में जो तीसरी लहर है वो हो सकता है शुरू हो जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है प्रिया की हो सकता है ये जो कोरोना की तीसरी लहर है ये जोर पकड़ सकती है। जी प्रिया, जिस तरह से तीसरी लहर क्या बता रहा है संभावना भी, और कहीं ना कहीं बच्चों पर ये ज्यादा प्रभाव डालने वाला है, और क्या लगता है किस तरह के इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं। जी प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बच्चों को लेकर जो बात कही जा रही है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार विशेषज्ञों से भी हमारी बातचीत होती रही है, तो विशेषज्ञों का सिर्फ यही कहना है कि बच्चों को खतरा इस लहर से इसलिए ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। अभी तक भारत बायोटेक जो अभी ट्रायल कर रहा है, अभी हो सकता है अगस्त इसी महीने में ही ये फाइनल हो जाए ट्रायल और बच्चों की जो वैक्सीन है 6 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो हो सकता है उपलब्ध हो जाए। तो खतरा इसलिए बढ़ जाता है बच्चों में प्रिया क्योंकि अभी तक उनकी कोई वैक्सीन नहीं आई है और वैक्सीनेशन की जहां तक सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में भी कहीं ना कहीं भारत में लापरवाही भी देखने को मिल जाती है। अभी मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया था प्रिया, जहां पर एक व्यक्ति जाता है कोविड सेंटर पे और अपनी वैक्सीन लगाने का काफी इंतजार करता है और उसको वैक्सीन भी नहीं दी जाती है और फिर उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि आपको वैक्सीन लग गई। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो लापरवाही है ये भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है क्योंकि लगातार T3 और T4 की जो बात करती है, ट्रेस ट्रीट ट्रीटमेंट की जो बात करती है, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, तो कहीं ना कहीं फेल होती भी नजर आती है क्योंकि देखिए राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी तरफ से ऐलान कर देती है कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए लेकिन निचले स्तर की अगर बात करें अफसर शाहों की, चाहे उसमें लापरवाही कह लीजिए और चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग की तीसरी लहर की जो मुहाने पर है और तीसरी लहर पे सरकार केंद्र देख रही है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है हम देश के सामने इस वक्त। जी प्रिया। जी शहबाज, जिस तरह से अगर यूपी की बात की जाए तो लगातार सीएम बैठक कर रहे हैं T9 की, जिसको देखते हुए अगर पिछले दिन की बात की जाए तो 75 में से 9 जिले ऐसे थे जो कोरोना मुक्त हो चुके थे, वहीं आज अगर बात की जाए तो 10 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है। जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो केसों में गिरावट आ रही है और सैटरडे संडे का जो कोविड कर्फ्यू है वो भी पूरे प्रदेश में लागू है। तो जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में सबसे बुरी हालत अगर कही जाए तो वो उत्तर प्रदेश की रही थी और जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफी कुछ सीखा भी था क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरीके से चरमरा गया था, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था फेल हो गई थी और विश्व स्तर पर बल्कि देश में नहीं विदेश में भी इसकी काफी दुर्गति हुई। तो जिस तरीके से उसके बाद योगी सरकार ने सारी चीजों को संभाला, उसके ऊपर उठ के अब लगातार बैठकें हो रही हैं, T9 की जो बैठक हो रही है उसमें लगातार ये फैसला लिया जा रहा है कि किस तरीके से रणनीति बनानी है और NICU जो बच्चों के लिए ICU बनाए जा रहे हैं उनको लगातार सही करने की बात कही जा रही है कि वहां पर बच्चों को ऑक्सीजन अगर आने वाले टाइम में दिक्कत होती है। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि बच्चों को अगर लहर आती भी है तो बच्चों को ऑक्सीजन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होने वाली जी। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सीएमओ को ये निर्देश जारी किया है कि आप लोग जो है अपने स्तर पर जितने भी PHC है वहां पर ऑक्सीजन और NICU का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो कोविड को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम नाइन की बैठक कर रहे थे और ऐसे में यही सफलता दिखी कि 75 में से 9 जिले पहले ऐसे थे जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अगर आज की बात की जाए तो 10 जिले जो हैं वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।